दोस्तों आज हम जानेंगे अपनी बॉडी के पावर हाउस के बारे में जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। हम बात कर रहे हैं लीवर की। क्या आपको पता है कि अगर लीवर ठीक से काम ना करे तो हमारी बॉडी के बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। जितना जरूरी हमारे लाइफ और बॉडी फंक्शंस के लिए हार्ट और ब्रेन होते हैं उतना ही जरूरी लीवर भी होता है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। तो चलिए समझते हैं लीवर की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके की फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और लीवर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और सबसे खास बात, मैं आपको दो हर्बल रेमेडीज दूंगा आखिर में जो आपके लीवर को बीमारियों से बचाने में और हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। अब बात करते हैं कि लीवर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लीवर हमारी बॉडी का पावर हाउस इसलिए है क्योंकि सारे का सारा भोजन जो है वो पचने के बाद यहीं से निकलता है और ये ब्लड को फिल्टर करता है, टॉक्सिन को बॉडी से बाहर निकालता है और न्यूट्रिएंट्स जो है उनको स्टोर भी करके रखता है। अगर लीवर हेल्दी नहीं है तो बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी भर सकता है, ब्लड क्लॉटिंग के जो संबंधित बीमारियाँ हैं वो पैदा हो सकती हैं, इनडाइजेशन हो सकता है, गैस और खराब कोलेस्ट्रॉल का भी बनना शुरू हो जाएगा अगर लीवर ठीक से काम नहीं होगा। लीवर का मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालकर ब्लड को क्लीन रखता है। जब भी हम अल्कोहल, ड्रग्स या अनहेल्दी फूड खाते हैं, लीवर उन्हें प्रोसेस करके हार्मलेस बना देता है, टॉक्सिन्स को अपने पास रोक के आगे ब्लड में जाने से रोकता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है। नंबर दो, लीवर का दूसरा बड़ा जो फंक्शन है वो होता है मेटाबॉलिज्म। ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। लीवर ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, जब जरूरत होती है उसको रिलीज भी कर देता है, लेकिन अगर ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। मेटाबॉलिज्म के बाद बने हुए जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको बॉडी से लीवर ही निकालता है कई तरीके से। तीसरा जो बड़ा फंक्शन होता है बाइल प्रोडक्शन। लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है जो फैट के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। बाइल फैट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है जिससे जो है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है लीवर में बनने के बाद, और जब भी आप कुछ चिकना भोजन या फैटी फूड खाते हैं तो ये जरूरत के हिसाब से आंतों की तरफ आ जाता है और फैट को पचाने में या उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। ठीक है, जो चौथा बड़ा फंक्शन होता है लीवर का वो होता है विटामिन का स्टोरेज। लीवर के अंदर विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के और बहुत सारे मिनरल जो है वो स्टोर होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और नंबर पांच, देखिए बहुत से एंजाइम्स को भी लीवर बनाने में मदद करता है, बनाता है और साथ ही गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है, उसको प्रोड्यूस करता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में भी लीवर आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। इसलिए हमें अपने लीवर को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए। अगर लीवर हेल्दी नहीं होगा तो बहुत से सीरियस इश्यूज या बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जन्म ले सकती हैं, जैसे अगर के नंबर एक फैटी लीवर डिजीज। अगर आप अनहेल्दी फैटी भोजन करते हैं, बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको फैटी लीवर डिजीज हो सकती है। इसमें लीवर में जो है वो एक्सेस फैट जमा होने लगती है जो लीवर को डैमेज कर सकती है और लीवर फेल भी हो सकता है। जो नंबर दो चीज होती है वो होता है लीवर सिरोसिस। फैटी लीवर के बाद लीवर सिरोसिस भी हो सकता है। सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लीवर के जो टिश्यूज या सेल्स हैं वो पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं, फिर से ये वापस ठीक नहीं होती या रीजनरेट नहीं हो पाते। ये अक्सर अल्कोहल अब्यूज या हेपेटाइटिस की वजह से ज्यादा होता है। एक बार सिरोसिस होने के बाद दोबारा से लीवर का वापस आना या ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है और उसके बाद जो फिर लीवर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसलिए हमें लीवर की हेल्थ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप लीवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं और लास्ट में वो दो रेमेडीज भी बताऊंगा जो मैंने शुरू में कहा था। तो देखिए, अगर आप इन टिप्स का सही से पालन करते हैं तो आपका लीवर कभी भी खराब नहीं होगा, यहां तक कि आपका जो लीवर फंक्शन है वो और बेटर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है उसमें देखिए, सबसे पहला है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट सबसे ज्यादा जरूरी होती है लीवर को स्वास्थ्य के लिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्होल ग्रेन और लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करने से लीवर के ऊपर कम भार पड़ता है और लीवर हेल्दी रहता है। जंक फूड, फैटी एंड फ्राइड फूड जो है या प्रोसेस फूड जो है या आइटम्स हैं वो लीवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए।
नंबर दो, अल्कोहल या शराब लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें या फिर बहुत ही लिमिट में करें। एक्सेसिव ड्रिंकिंग लीवर डैमेज का मुख्य कारण बन सकता है। और नंबर तीन, वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये भी जो है ना लीवर को फेल करने में, खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। जो सबसे बड़ा लीवर फेल होने का कारण है वो यही दो बीमारियां हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। और नंबर चार देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो लीवर की हेल्थ को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा इंप्रूव हो जाता है, एक्सेसिव फैट जो है वो हटने लगते हैं, और कैलोरीज के बर्न होने से जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो जाता है, जिससे आपकी लीवर की ओवरऑल हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो जाती है। और नंबर पांच, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अब बात करते हैं कि उन दो टिप्स की या रेमेडीज की जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये दो हर्बल रेमेडीज अगर आप अपना लेते हैं तो आपका लीवर कभी फेल नहीं होगा। हाँ, आपको परहेज रखना जरूरी है। पहली रेमेडी होती है आपके भोजन में हल्दी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। हल्दी लीवर के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें कर्क्यूमिन होता है जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप इसे करीज में, स्मूदीज में और भी दूसरे तरह के भोजनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, दूधल घास, एक घास की तरह से एक बूटी होती है जिसको दूध पत्रा कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नाम होता है सिलाइबम मैरियनम के नाम से, जिसे अंग्रेज में मिल्क थिसल के नाम से भी जानते हैं। ये एक पावरफुल हर्ब होती है, लीवर को बहुत फायदा पहुंचाती है। ये लीवर सेल्स को रिपेयर करने और टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है। आप किसी सप्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले किसी डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। इसके अंदर सिलाइमेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो लीवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और भूख भी बढ़ाता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। इस तरीके से ये आपके लीवर को हेल्दी बना के रखता है। इसको आप अगर अर्क मकोर, अर्क कासनी के साथ लेते हैं, इसका फायदा डबल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि लीवर कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसकी हेल्थ का ख्याल रखना क्यों हमारे लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।